व्हाट्स अप गाइस, मैं गुड़ोर में आप सब लोगों के लिए एक्सपान में व्यू लाता रहता हूँ। तो आप लोगों ने मेरी काफ़ी वीडियो देखी, इसलिए मैं थैंक यू वेरी मच। सो आज हम करने जा रहे हैं कुछ बड़ा। जो बड़ा हम कुछ करेंगे नहीं, ना एक्सपेरिमेंट करेंगे, आज हम पेपर से कुछ बनाएंगे। यू बनाएंगे हम लॉन्चर, हम बनाएंगे पेपर लॉन्चर। और पेपर लॉन्चर की देखने के लिए आपको मुझे नहीं देखिए, आप देखिए वीडियो को। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और मुझे कमेंट आ रहे हैं कि आप लोग शेयर नहीं करते, पता है अल्लाह कमेंट आप करती नहीं है, पता नहीं क्यों कमेंट आप करती नहीं है, ना लाइक करते, ना शेयर करते, ना सब्सक्राइब करते। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। अब चलते हैं वीडियो। हम बनाएंगे एरोप्लेन, फिर बनाएंगे हम लॉन्चर, ठीक है। उसको लॉन्च करने वाला तो हमको नॉर्मल से टू पेपर चाहिए, एक चाहिए हमको A4 साइज, एक चाहिए हमको नॉर्मल सा हार्ड पेपर। जो हमने निकाला है जुगाड़ से, निकाला है हमने चिट्ठी से, देख सकते हैं। ये हमारे पास कार्ड्स आए थे शादी के, इसका हमने 1 कार्ड इसमें 20 कार्ड लिया है। ये हो गया हमारा लॉन्चर बनेगा, इस बनेगा हमारा प्लेन। सो बनाते हैं, सबसे पहले बनाते हैं अपना लॉन्चर। लॉन्चर के लिए आपको सबसे पहले कुछ इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है, कुछ इस तरह से, जिस तरह मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद आपको कुछ इस प्रकार से भी इसको फोल्ड कर लेना है। ओनली पेपर से बनाएंगे हम, इसमें कुछ भी यूज नहीं होगा, देख सकते हैं। इस तरह से हमको कुछ फोल्ड कर लेना है, कर लिया। अब ये वाला आउट पार्ट है, इसको हम अपने कट कर लेंगे। देख सकते हैं आप लोग, ये हो गया हमारा कट। इसको रख देंगे हम साइड में, कुछ और बनाएंगे इसे हम, और इसको रख देंगे हम इस तरह से। ये होने के बाद हमको इसमें आपको बनानी पड़ेगा, आपको एयरप्लेन बनाते हैं। आपको मैं इसको फोल्ड कर लेता हूँ। आप एयरप्लेन बनाते हैं उस तरह से बनाना, लेकिन हम कुछ अलग एरोप्लेन बनाएंगे। कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेना है आपको, कर लिया। कुछ आपको इस तरह भी फोल्ड कर लेना है, देख सकते हैं आप। कुछ इस तरह से हमको फोल्ड कर लेना है, इस तरह से फोल्ड कर लेना है हमको। और फिर आपको इस तरह से एकदम बढ़िया से सही करके इस तरह भी फोल्ड कर लेना है। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन इतना भी नहीं है डिफिकल्ट। जब पे हमने फोल्ड कर लिए हैं दोनों, अब इसको हम ये वाली होता है नुक पिन, इसको हम थोड़ा इसको ऐसे करके फोल्ड कर देंगे। इसलिए हम इसकी स्केल का यूज करेंगे इस तरह से, और इसको हम इसको इस तरह से इसको कर देंगे, देख सकते हैं आप लोग। इसको कर देंगे हम उल्टा, तो इस करेंगे कुछ इस प्रकार से फोल्ड दोबारा, कर सकते हैं हम। अब इसको हम करेंगे दोबारा से फोल्ड, ये भी कर लिया, और इसको भी करेंगे हम दोबारा से फोल्ड। और ये हो गया हमारा एरोप्लेन इज डन, देख सकते हैं आप लोग। एरोप्लेन हमारा हो गया है डन। आप इसमें आप कलर भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। इसको हम अभी उड़ाएंगे नहीं, इसको हम लॉन्चर बनाएंगे। इसका भी तो लॉन्चर बनाने की तैयारी करते हैं। सो लॉन्चर बनाने के लिए हार्ड पेपर चाहिए, ये मैंने चिट्ठी से या फिर कार्ड से निकाला है। और इसको आपको कुछ इस तरह से ऊंचा करके इस तरह फोल्ड कर लेना है, जिस तरह मैं कर रहा हूँ, इस तरह से कर लिया हमने, कर लिया। अब इसके बाद फिर से हम कुछ इस प्रकार से फोल्ड कर लेना है, एकदम हार्ड पेपर होना चाहिए। इसको फोल्ड कर लूँगा मैं साइड में, जितने फोल्ड कर लिया हमने। अब इसको भी हम दोबारा से फोल्ड करेंगे कुछ इस तरह से, और इसको भी करेंगे हम दोबारा से इस तरह से फोल्ड, देख सकते हैं आप लोग। लॉन्चर हो गया हमारा, अभी डन नहीं हुआ है। अब इसमें लगाएंगे हम रबर बैंड एंड स्टेपलर, किस तरह से लगाते हैं देखिए आप लोग, देख सकते हैं। इसकी चाहिए हमको एक रबर बैंड एंड स्टेपलर, स्टेपलर है हमारे पास, और रबर बैंड दोनों ले लेना है। इसको कुछ इस तरह से हमको खोल लेना है, और इसकी ग्रिप में यानी कि मिडिल में इसको तरह से रबर ढक देना है, और इस तरह से, और इसको लगा देना है हमको एक नॉर्मल से स्टेपलर। ये लग नहीं पाया, इसको निकाल देते हैं, देखते हैं। एक पर लगाएंगे हम इसमें, देखते हैं रबर बैंड हमारा लग चुका है। इसको हम निकालेंगे बाहर, और इसको करेंगे कुछ इस तरह से, हम इसको रबर को कुछ इस तरह से लगाएंगे, यहाँ तक खींचेंगे, थोड़ा टाइट है रबर हमारी, पर लगा दें, ठीक है। अब हमारा गया एरोप्लेन, ये रहा। इसको लगाएंगे कुछ इस तरह से, इसको अंदर देख सकते हैं आप लोग, इस तरह से इसमें लगाएंगे इसको, इसको जैसे लग चुका है। ये हो गया हमारा एरोप्लेन लोडेड, क्या हो गया हमारा लोडेड। अब इस तरह कुछ हम इसको खींच लेंगे, एकदम लोडेड करेंगे, देख सकते हैं। अब इसको हम इस तरह से छोड़ देंगे, और एरोप्लेन गया जूम।